पार्वती जी गई कोई नहीं था, आके बैठ गई। शंकर जी ने कहा, पार्वती अब जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में हुंकार भरती रहना। हुंकार समझते? कथा में जैसे होता है ना, बचपन में दादी नानियां कहानी सुनाती है अपने पोते पोती को, तो बच्चा बीच बीच में हाँ ऐसे करता रहता है, तो वो दादी नानी समझती है, मैया समझती है कि अभी ये सुन रहा है, अभी ये जाग रहा है। लेकिन जब हुंकार भरना वो छोड़ देता है तो वो समझ जाती है कि सो गया, और फिर वो कहानी सुनाना बंद कर देती है। तो जहां वक्ता एक हो और श्रोता भी एक हो, वहां तो हुंकार होना चाहिए, पता चले कि सुन रहा है कि नहीं। अब वो तो कथा में हजारों लोग होते हैं, इसलिए हम लोग फायदा उठा लेते हैं, पंडित जी की नजर सब पर नहीं जाती, इसलिए एक आध दो बार झपकी लगा लेते, बाकी एक हो तो पता चल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, व्यासपीठ ऊंची इसलिए बनाई जाती है ताकि सबके चेहरे दिखाई दे, कौन क्या कर रहा है, किसका कथा में ध्यान है, किसका मन कहाँ घूम रहा है, ये सब सब पता होता है, कौन सो रहा है, कौन ध्यान से सुन रहा है। सावधान रहना चाहिए निद्रा रानी से, ऐसी कहा जाता, पता नहीं है या नहीं, मैंने कहीं ग्रंथ में तो कोई पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब कुंभकर्ण मारा तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा रानी, तो अब निद्रा रानी ने सोचा कि मैं भगवान से बदला लूंगी। अब भगवान से बदला लेने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने सोचा भगवान के जो सबसे प्रिय भक्त हैं, क्यों ना इनसे बदला लूं, ये जब भी कथा में आके बैठे इनके ऊपर जाके बैठ जाओ। लेकिन जो ध्यान से सुनेगा वो इससे बच सकता है, जो नहीं सुनेगा उस पर कभी भी निद्रा रानी आक्रमण कर सकती। पार्वती जी को कथा सुनानी शुरू की, लेकिन उधर राधा रानी ने एक तोते को सुक को भेजा कि बेटा जा, शंकर जी अमरनाथ में कथा सुना रहे हैं, तू पेड़ पर बैठकर के चुप जा, बिना बताए शंकर भगवान से जो वो कथा सुना रहे हैं उसको तू सुन। तोता आया, वट वृक्ष पर बैठा बैठा कथा सुनता रहा सुनता रहा। शंकर जी कथा सुनाते गए, पहला स्कंद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवें पर पहुंचे। माँ पार्वती जी का मन उलझ गया भगवान की कथा में, समाधि में बैठ गई, हुंकार भरना भूल गई। अब तोते ने सोचा कि मैया तो भूल गई, चलो कोई बात नहीं, अब मैं हुंकार भरू, क्योंकि अगर चुप बैठी रही तो शंकर भगवान कथा सुनाना बंद कर देंगे। खुद हुंकार भरने लगा, शंकर जी कथा सुनाते गए सुनाते गए। लेकिन जब कथा विश्राम हुई, माँ पार्वती जी की आंखें खुली, माँ पार्वती जी ने सारी बात बताई कि महाराज मैं कथा नहीं सुन पाई, आप मुझे दोबारा से कथा सुनाई। शंकर जी बोले, अरे पार्वती तुमने कथा नहीं सुनी तो फिर कौन सुन रहा था? पार्वती जी बोली, वो तो मुझे मालूम नहीं। तभी शंकर जी ने अपना भयंकर त्रिशूल लिया, इधर उधर छूटते गए, पेड़ के ऊपर तोता बैठा था उसको मारने के लिए दौड़े, तोता आगे आगे भागा, शंकर जी पीछे पीछे भागे, भागते गए भागते गए भागते गए, सामने व्यास जी की पत्नी जो थी जिनका नाम विटिका था, वो जमाई ले रही थी मुख को खोल के, और जैसे उन्होंने मुख खोला तोते ने सूक्ष्म रूप बनाया और माँ विटिका के घर में प्रवेश किया, और वही सुख आगे चल करके इस भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी के रूप में इस पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ। 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष अपनी माँ के घर में रहे, कहा व्यास जी ने विटिका के कान के पास आके कहा, बेटा बाहर निकल, तेरी माँ देख कितना कष्ट पा रही है, दुख पा रही है, बेटा बाहर निकल। सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी,
ये मायावी लोग, अगर इनके बीच मैं जाऊंगा तो मुझे भी ये माया घेर लेगी। इसलिए बार बार कहते हैं कि संसारियों से दूर रहो, मायावियों से दूर रहो। क्यों? जब कोई आदमी जो डूब रहा है पानी में, जब पानी में वो डूब रहा है और बचाने के लिए वो अपने हाथ पैर इधर उधर फेंक रहा है, तो एक आदमी जिसको तैरना आता है वो जाता है तालाब में उसे बचाने के लिए। लेकिन जब वो बचाने के लिए जाता है तो जो अच्छे वाला जो तैराक होता है, जो समझदार होता है, वो डूबने वाले के कभी नजदीक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वो नजदीक जाएगा तो वो आदमी तो पहले से ही घबराया है, डूब रहा है, कभी भी उसको पकड़ के खुद भी डूबेगा और उसको भी लेकर डूब जाएगा। इसलिए वो दूर ही खड़ा होके सिर्फ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है कि तू मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे खींच लूंगा। नजदीक नहीं जाता, नजदीक जाएगा तो उसको भी पकड़ के खींच लेगा। वैसे ही जो माया में खुद ही पहले लगे है उसके पास जाकर के अगर बैठोगे तो वो आदमी अपने आप आपको माया की तरफ खींचेगा। आप 10 शराबियों के पास, 10 शराबी है और आप उनके पास जाके बैठ जाओ तो ज्यादा नहीं तो 2-4 घूंट लगाना तो आप भी सीख ही जाओगे। 2-4 महीने शुरुआत हो जाए। इसलिए संसारियों से जितना दूर रहो, क्योंकि ये तो खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी लेकर डूबेंगे। ये तो वैसी बुद्धि है जैसी एक बकरी चलती चलती, एक बकरी कुएं में गिर पड़े, सूखा कुआ, मतलब पानी नहीं था, सूखा हुआ था। अब बकरी जब कुएं में गिरी तो अब क्या करे, अब बाहर कैसे निकले? अब बाहर ना निकले, कुएं में अकेली है इसलिए मन नहीं लग रहा, कोई तो चाहिए बात करने के लिए, अपना दुख बांटने के लिए, क्या करे? तो उसकी एक सहेली थी, मतलब उसकी सहेली एक दूसरी बकरी थी, वो कुएं के नजदीक से निकल के जा रही थी। उसने ऐसे झांक लिया दूसरी बकरी ने कुएं में, देखा अंदर वो बैठी है। ऊपर वाली बकरी ने पूछा, अरे बहन तू यहां कैसे पहुंच गई, तू क्यों गई अंदर? तो जो कुएं वाली बकरी थी ना, उसकी दिमाग की घंटी बजी, बोले ये ही बढ़िया मौका, इससे बढ़िया मौका इसे फंसाने का दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए खुश होके बोले, अरे मैं यहाँ गिरी विरी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ अपने मन से आई हूँ, तुझे पता नहीं बाहर तो सूखा पड़ रहा है, इसके अंदर तो देखो कितनी बढ़िया ताजा ताजा हरी हरी घास खाने को मिल रही है, इतना बढ़िया भोजन, इतनी बढ़िया घास तो मैंने खाई नहीं, तुझे खानी है तू भी आ जा। अब ऊपर वाली बकरी बेचारी ऐसी थी, सोचा कि हाँ बढ़िया भोजन मिलेगा, उसने भी मारी छलांग और वो भी पहुंची नीचे। अब नीचे तो कोई घास थी नहीं, वो तो अब खुद तो कहते ना, खुद तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, खुद तो मरेंगे मरेंगे तुमको भी लेके मरेंगे। ये संसारियों का हाल, कुएं में गिरे पड़े हैं और फिर दूसरों को लोभ दे दे के कोई शराब का, कोई जुए का, कोई किसी चीज का कि भैया बढ़िया है बढ़िया है, अपनी तरफ खींचते रहते हैं खींचते रहते हैं। इसलिए जितना हो सके मायावियों से दूर रहा करो। भक्त जब जरा सा भी टाइम मिले, जरा सा भी समय मिले तो किसी भक्त के पास जाके बैठो, उससे बातें करो। संसारी के पास बैठोगे तो इधर उधर की निंदा के अलावा दूसरा कुछ नहीं सुनने को मिले, यहाँ की वहां लगाते हो, घूमते रहते हो। माताओं बहनों का 9-10 बजे काम खत्म, अब क्या करें, पूरा दिन भर अब खाली है, क्या करें? बोले चलो तो पड़ोसन के घर जाके बैठ लो। फिर बैठ करके इधर की उधर, और निंदा में जितना आनंद आता है उतना तो शायद रबड़ी और रसगुल्ले में भी नहीं आता हो, दूसरे की इधर उधर की बुराई करने में जो मजा आता है।
ऐसे तो मुर्दे के पास भी उसके दुश्मन की निंदा करने लग जाओ ना तो खुश होके खड़ा हो जाएगा दुश्मन की निंदा सुन करके। जितना हो सके भक्तों का संग करो, भक्त लोगों का, अच्छे आदमियों का संग करो तो सुखदेव जी ने कहा, हे पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, लेकिन कुछ संत कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने आकाशवाणी की तो सुखदेव जी बाहर आए गर्भ से, और बाहर निकलते ही अपनी नाभि नाड़ी पकड़ी, जोर से झटका लगाया, नाभि नाड़ी टूट गई और श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे पीछे श्री व्यास जी पुत्र विरह में भागते जा रहे। यम प्रजन्तम् नुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर राजुहा पुत्रेति तन्मतया सर्वभूत हृदयम् मुनिमान दोष। उसी समय का श्लोक श्री व्यास जी अपने बेटे के पीछे हे सुखदेव कहते हुए भागे। सुखदेव जी वापस नहीं आए, व्यास जी को खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ा। तो इस तरह सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। अब ये जो श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे हैं, इस कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज इस सुंदर कथा को श्रवण करा रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज इस भयंकर कलयुग में अगर किसी को भगवान को पाना हो तो वो कैसे भगवान को पाए, क्या कोई आसान सा रास्ता है? आज के समय में किसी से कहो कि तू काम क्रोध लोभ लालच संसार छोड़ दे तो वो कैसे छोड़ेगा? उससे एक बीड़ी तमाकू गुटखा तो छोड़ा नहीं जाता, संसार के खाक छोड़ेगा। कथा में भी आया तो कथा में भी अपनी उपान पराग की डब्बी साथ रख के लाता है कि 3 घंटे ऐसी थोड़ी व्यतीत होंगे, मतलब 1 मिनट नहीं रह सकते उसके बगैर, कथा भी उसके बगैर नहीं सुन सकते, कथा में भी बीच बीच में चाहिए। उससे आप कहो कि काम क्रोध छोड़ दे, ज्यादा तो मुझे पता नहीं, बाकी हम तो कल ही यहाँ पर आए, मैंने जितने लोगों को देखा उनका मुंह दिन भर चलता ही रहता है, यहाँ कुछ ज्यादा ही लोग आनंद लेते हैं इन सब चीजों में। रास्ते में कोई एक जगह रुके थे तो एक सफेद दीवार थी, उस सफेद दीवार को लोगों ने लाल बना रखा, सफेद तो कहीं छोड़ी ही नहीं, जहां देखो। कथा में भी नहीं छोड़ पाते, कथा में भी वो बीच बीच में स्वाहा 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 चलता रहता है। कथा में ताली बजा तो शर्म आती है, हम क्यों बजाए ताली? ये देखो ये माताओं बहनों ने बजाई, इन्होंने नहीं बजाई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कारण है। कथा में ताली बजाने के लिए, मतलब कीर्तन में ताली बजाने के लिए कहो तो शर्म आती है, वैसे दिन भर पीटते रहते हैं, चलता ही रहता है। इन सब चीजों को नहीं छोड़ सकते, कथा में आते हैं तो चप्पलों पर कथा से ज्यादा ध्यान होता है, कहीं चली ना जाए। हमारे ब्रज क्षेत्र में जब कथा होती है ना तो लोग
पॉलिथिन में प्रसाद लेके आते हैं कथा में, जिसका जो जो सामर्थ्य होता है वो प्रसाद लेके आते हैं। लेकिन कई कई बड़े बड़े शहरों में जाओ तो वहाँ पर लोग प्रसाद की तरह ही पॉलिथिन में अपनी अपनी चप्पलों को लेके आते हैं, बाहर रख दे तो डर है उठा ले जाए। क्योंकि कथा में कुछ लोग तो कथा के भाव से आते हैं और कुछ लोग देखिए, सबका तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुछ एक आध ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि कथा में बढ़िया एक्सचेंज ऑफर मिलता, पुरानी लाओ नई ले जाओ, किसी को क्या पता चल रहा, पुरानी लाते पुरानी छोड़ोगे नहीं लेंगे। और वैसे भी कहीं जाओगे तो दुकानों में भी अलग अलग ब्रांड की दुकान होती है ना, ये लखानी की है, ये उस ब्रांड की है, ये जूतों की जो ब्रांड होती है, कथा में तो सारी ब्रांड मिलती है, जो अच्छी लगे वो ही ले जाओ। मंदिर में गए, मंदिर की बाहर चप्पलें उतारी और प्रभु के मंदिर में गए, हाथ जोड़ा, स्तुति की, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, प्रभु को देखा, फिर चप्पलों की ध्यान आई, फिर पीछे मुड़ के चप्पलों को देख के बोला त्वमेव बंधु च सका, तुम्हें गई तो नहीं अभी भी है, रखी है वही, फिर तसल्ली मिली, आधा श्लोक भगवान को देख के आधा चप्पलों को देख। सावधानी बरतनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ बात भगवान की आती है वहाँ हम इन सब छोटी चीजों को नहीं छोड़ सकते। तब बात अगर काम क्रोध संसार की आए तो कैसे छोड़ेंगे। इसलिए महाराज कोई सीधी सादी सी कथा हो तो सुना दो, जो हम घर में रह के भगवान को प्राप्त कर सके, बाकी घर छोड़ के जंगल में जा करके भजन करना तो हमारे लिए मुश्किल है। कोई सीधी सी कथा सुना जो सबको आसानी से समझ में आए। ऐसी कथा कौन सी होगी? ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत। आज के युग के लिए जहां पे भाई भाई से लड़ रहा है, लोग माँ बाप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उस युग में श्रीमद् भागवत सुनना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आज जहां देखो अत्याचार है, ऐसा समय आ गया कि जहां कभी इस देश में माँ बाप का सम्मान किया जाता था, आज उसी भारत देश में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं बुजुर्गों के लिए। माँ बाप को लोग स्टेशनों पर छोड़ देते, अपने बच्चों को छोड़ देते, घर में कोई पहले अच्छा काम हुआ करता था तो सबसे पहले घर में माँ बाप की राय ली जाती थी, बुजुर्गों का पहले राय ली जाती थी कि ये काम करे कि नहीं करे। आज कोई अच्छा काम करना हो तो सलाह देने के लिए ससुराल से साले को बुलाया जाता है, साले जी आते सलाह देने के लिए। हमारी ब्रज में एक कहावत है, ब्रज भाषा तो आप शायद समझते होंगे, जो कन्हैया बोला करते थे क्या कु सारों में बात करके। तो ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगारे आरो और घर बिगारे सारो, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन सही हो है, बिल्कुल है। इसका कई उदाहरण है, जैसे कि मामा शकुनी पूरे कौरव वंश को बर्बाद करके रख दिया शकुनी ने, सलाह लो जिससे भी आपकी इच्छा करे, लेकिन सब प्रथम आपके माता पिता होना चाहिए, माँ बाप का जो सम्मान है वो आप हम सबको करना चाहिए, उसके बाद फिर औरों की बारी आती है। तो ऐसे समाज में जहाँ आज कुछ कुरीतियां फैल रही है, वहां के लिए श्रीमद् भागवत बहुत आवश्यक है। इस श्रीमद् भागवत के सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। सूत जी ने सुनाया कि वृंदावन के किनारे पर, यमुना जी के किनारे पर
देवी भक्ति अपने दो बेटे ज्ञान और वैराग जो बूढ़े हो गए थे, बेहोश पड़े, उनको लेके पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तित्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र च। वो वृंदावन धन्य है जहां के कण कण में देवी भक्ति का वास है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग वृंदावन जा चुके हैं, जरा हाथ खड़े करके बताएंगे। बस, और कितने लोग नहीं गए, हाथ उठा के बताएंगे। देखिए, कहते हैं कि वृंदावन का जिसने दर्शन नहीं किया, अब किसी को भी आपको जानना हो तो वो कहाँ रहता है, उसने क्या किया, वो तो जानना जरूरी होता है। अगर आपको भगवान को पाना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन सी जगह कौन कौन सी लीला की, वो भी तो जानना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए, आज कल किसने देखा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब आज इस समय वृंदावन कौन कौन चलना चाहेगा, हाथ उठा के बताइए। देख लेना, जिसने हाथ नहीं उठाया, बस प्रभु उसको वृंदावन फिर कभी बुलाएंगे नहीं। सभी जाना चाहते हैं, लेकिन भैया जो ट्रेन का बस का भाड़ा वो कौन देगा? तैयार हो देने के लिए? पक्का? चलो, भगवान तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करेंगे। लेकिन इस समय पता नहीं टिकट मिले ना मिले, ट्रेन की रिजर्वेशन हो या ना हो, कोई बात नहीं, तन से तो कभी भी चले जाना जब आपको भगवान समय दे, जब आपको प्रभु बुलाए। तन से नहीं, कम से कम मन से तो अभी जा सकते हैं। और मन से जाने के लिए तो विदाउट टिकट भी जा सकते हैं, बिना टिकट के। कोई टीटी भी आपकी फिर पर्ची नहीं काटेगा कि टिकट देगा, बिना फ्री मुफ्त में घूमो, कहीं भी घूमो। तो इसलिए मन से सभी श्री वृंदावन धाम को याद करते हुए, क्योंकि देखिए वृंदावन एक ऐसा तीर्थ है। तीर्थ क्या? तीर्थ तो इस दुनिया में बहुत है, वृंदावन की गिनती तीर्थों में नहीं आती। वृंदावन तो भगवान का अपना घर है, और अपने घर में कोई आप तभी जा सकते हो जब वो घर वाला आपको बुलाए। वैसे ही आप भगवान के घर तब जा सकते हो जब भगवान आपको बुलाए। तो इसलिए सभी भाव श्रद्धा से आप अपने तन से तो यहीं बैठे रहो जहां आप बैठे हो, आपके बेलवाड़ गांव में तन से यहीं बैठे रहो, बाकी मन से सभी वृंदावन चलो पूरी ट्रेन भर के। लेकिन जो जो वृंदावन जाएगा, वृंदावन का एक सबसे पहला नियम यही है, वृंदावन में ज्ञानियों की पूछ नहीं है, वृंदावन में भक्तों की और जो रस में डूबा है उसकी पूछ है। और वृंदावन में गए और वहां जाके श्री ठाकुर जी को अपना एक ठुमका नहीं दिखाया तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अपनी शर्म को थोड़ी देर छोड़िए। मैं तो ये कहूं कि जब आप कथा में सुनने आया करो ना, तो अपनी शर्म को अपने घर पर ही खुंटी पे टांग के आया करो, शर्म हटा के, और यहाँ भाव में भगवान नाम में प्रेम से, जिस जिस को प्रभु की कृपा चाहिए सभी प्रेम से गाते हुए नाचते हुए भगवान को रिझाते हुए। हो मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे ने ना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे ने ना लगे बिहारी।
लागे बिहारी से। घर में खाऊं